हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। यह हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक्सप्रेसवे से रिलेटेड अपडेट, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जल्द ही लखनऊ कानपुर के बीच यात्रियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है। ये हम बात कर रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के बारे में, जो कि लखनऊ से कानपुर के बीच बनने वाला है। 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा। पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत से अपडेट हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले, यदि आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क 6 लेन की होगी, बट फ्लाईओवर का जो स्ट्रक्चर है वो 8 लेन के हिसाब से बनाया जाएगा। शहीद पथ लखनऊ से बनी तक सेंट्रल डिवाइडर पर, यानी कि सिंगल पिलर पर 6 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी। इसके बाद बनी से उन्नाव होते हुए आज़ाद चौराहा तक 6 लेन की होगी जो रोड बनेगी। एक्सप्रेसवे को गंगा बैराज मार्ग, उन्नाव, लालगंज हाईवे और कानपुर में बनने वाले आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया जाएगा और 38 अंडरपास के साथ ही 3 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे का हिस्सा जो है, इसके अलावा 28 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए 22 अंडरपास बनेंगे। वहीं उन्नाव में टोल प्लाजा भी बनाया जाएगा, क्योंकि पहले से ही नेशनल हाईवे है, उस पर एक टोल प्लाजा बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टेंडर प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है। बस निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। 3 फेज में काम हो रहा है आपका कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का। और भी कई अपडेट हैं इस वीडियो में, जो कि आपको देखने को मिलेंगी। लखनऊ से उत्तराखंड का सफ़र सुखद बनाने के लिए एक और नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, गोमती एक्सप्रेसवे, जो कि नाम होगा उसका, और 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा जो दुधवा नेशनल पार्क को भी कनेक्ट करते हुए बनाया जाएगा। आपका गोमती एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर का होगा। पूरी डिटेल वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। और सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बिहार के 10 जिलों से होकर के गुजरेगा। जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा आपका सिलीगुड़ी गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का। यूपी और हरियाणा में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही यूपी से हरियाणा आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसमें भी बचत होगी, साथ में जो टाइम लगता है वो भी बहुत कम लगेगा। हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए काम जल्द शुरू होने वाला है। अगली अपडेट है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से संबंधित। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को सुरक्षा के लिए भी चौकस इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 15 पुलिस चौकियों की स्थापना की जाएगी। इन चौकियों पर पुलिस स्टाफ की भर्ती के लिए 225 पदों का सृजन किया गया है। हर चौकी पर एक निरीक्षक, 2 मुख्य आरक्षी और 14 कांस्टेबल के पदों की तैनाती होगी और जल्द ही प्रक्रिया इस पर स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।